वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारा आखिरी दिन है बाली में। कल सुबह हम जाएंगे यहाँ से जकार्ता, और जकार्ता से हमारी कनेक्टेड फ्लाइट है अबू धाबी, और अबू धाबी से मुंबई। तो आज का दिन हमने सोचा कि हम कुता एरिया के लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और कुता बीच जाएंगे, जो कि है हमारे होटल से 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो कुता बीच जाते समय रास्ते पे ये सारी दुकानें हमें देखने मिली। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ के खाने का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। कुता स्ट्रीट एक टूरिस्ट एरिया है, तो यहाँ कभी आप शॉपिंग करने निकलें तो आप बार्गेन करें, या फिर ऐसी दुकानों में जाएं जहाँ फिक्स प्राइस हो। यहाँ कुछ ऐसी भी दुकानें होंगी जो कि आप लोगों को कस्टमाइज टी शर्ट कैप्स बना के देती हैं। काफ़ी सारे ATMs हैं जहाँ से आप कैश निकाल सकते हैं, आप अपना इंडियन कार्ड यूज कर सकते हैं, एक बहुत ही मामूली अमाउंट डिडक्ट होगी। यहाँ ठीक लेफ्ट में विस्तारा रिसॉर्ट है जहाँ बड़े बड़े टर्टल्स रखे हैं, जिनके साथ मैंने काफ़ी अच्छी फोटो खींची है, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। कुता बीच काफ़ी क्राउडेड है, यहाँ पे छोटे छोटे शैक्स हैं जहाँ आप लोग बियर लेके एंजॉय कर सकते हैं। मैंने कुछ देर बाद अपना ड्रोन निकाला और ममता ने, मेरी वाइफ ने कहा उसे सीखना है ड्रोन उड़ाना, तो काफ़ी देर लगी। ड्रोन उड़ाना आसान नहीं है, काफ़ी देर बाद ड्रोन उड़ाना सीख लिया ममता ने। यहाँ हमने काफ़ी सारी रील्स भी बनाई हैं, आप वो सारी रील्स फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी है @pritam_thandi पे। एंड कुछ समय यहाँ ड्रोन उड़ाने के बाद हम आगे चल पड़े बीच एक्सप्लोर करने। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियंस दिखेंगे जो कि वीकेंड बनाने आ जाते हैं बाली में। यहाँ आप सर्फ बोर्ड हायर कर सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ सर्फिंग करते हैं। यहाँ आप सर्फ बोर्ड हायर कर सकते हैं। कुछ दूर बाहर जाके एक मंदिर मिला, एंड ये मेरी इंस्टा आईडी है। यहाँ बीच पे आपको स्विंग लगी हुई मिल सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम स्विंग के मजे लेने लगे। नज़र हटी और दुर्घटना घटी, बच गया। स्ट्रीट में हमने देखा फिश बॉल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो हमने सोचा चलो इसे ट्राई करते हैं। 60,000 रुपीस IDR की ये डिश है, तो हमने लुत्फ़ उठाया फिश बॉल का, काफ़ी भूख लगी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो कॉल कंटिन्यू करते हैं।